The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In today's video, we are discussing very important topics related to forensic science. All these questions you have asked me and your parents have asked me. So आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया एंड फॉरेंसिक साइंस में अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर करते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्या एक वर्दी सब्जेक्ट है आपके करियर के लिए. सो यही सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने हमसे थ्रू टेक्स्ट एंड थ्रू कमेंट्स ये पूछा है कि फॉरेंसिक साइंस एक वर्दी सब्जेक्ट है या नहीं है, क्या उनको फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड तो है फॉरेंसिक साइंस में बट कई सारी वेबसाइट्स में कई लोगों से उन्होंने बात करी है. उनका ये कहना है कि फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई करियर नहीं है, इस वजह से ही वो बहुत ही ज्यादा स्केयर्ड है फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने के लिए. कई सारे बच्चे ऐसे जो ऑलरेडी फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन ले चुके हैं बट अब उनको सेकेंड थॉट्स आ रहे हैं कि क्या ये एक अच्छा सब्जेक्ट है या नहीं है, क्या ये एक अच्छा फ्यूचर उनको देगा या नहीं देगा. इवन मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है कि जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन इन मास्टर्स करी है फॉरेंसिक साइंस में वो अपकमिंग बैचेस को यही कहते हैं कि आपका फ्यूचर बिल्कुल खराब हो जाएगा, फॉरेंसिक साइंस मत करो, आप दूसरे प्लेन साइंसेस करो या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट आप चूज करो जिसमें आपका फ्यूचर अच्छा हो सके. एंड उनसे ये भी कहते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली, ये सब्जेक्ट बहुत ही बुरा है, आपने क्यों कर लिया, यू मेड दी रॉन्ग डिसीजन, आपको एटलीस्ट अदर साइंसेस से ग्रेजुएशन करनी चाहिए थी एंड देन फिर फॉरेंसिक साइंस में आना चाहिए था सो दैट आपको कहीं और जॉब मिल सके फॉरेंसिक साइंस में नहीं. तो उनका बहुत बुरा डिसीजन था फॉरेंसिक साइंस चूज करना. सो बच्चे बहुत ही ज्यादा स्केयर्ड एंड डरे हुए हैं. सो आई हैव सम डाटा विच आई हैव कलेक्टेड आफ्टर रिसर्च. आई हैव वन स्टोरी एंड ऑफ कोर्स डाटा. तो डाटा शेयर करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी से हम ये समझेंगे कि फॉरेंसिक साइंस एक वर्दी सब्जेक्ट है या नहीं है. सो ये एक स्टोरी है एक बलून वेंडर की, आप ये बोल सकते हो गुब्बारे बेचने वाला. सो आप जब कभी छोटे थे एंड पार्क्स जाया करते थे तो पार्क के बाहर आपको बहुत सारे ऐसे कलरफुल बलून्स वाले देखने को जरूर मिले होंगे. सो ये स्टोरी भी एक ऐसे ही बलून वाले की है, एक बलून वेंडर की है. सो वो बलून वेंडर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था. जैसे ही उसकी जो सेलिंग है बलून की वो कम होती थी वो क्या करता था, ऐसे कलरफुल बलून्स हीलियम फिल करके हवा में छोड़ देता था. अब आप सभी को पता है कि जो हीलियम्स के बलून होते हैं वो ऊपर हवा में उड़ते जाते हैं, हवा में उड़ते जाते हैं. सो उस पार्क के सारे बच्चे जब बलून्स देखते थे तो उनका मन करता था कि उनको बलून खरीदना चाहिए एंड उसकी जो सेलिंग है वो फिर से बढ़ जाती थी, तो ऐसे उसको प्रॉफिट होते रहता था. एक बहुत ही छोटा सा बच्चा उसके पास आया एंड उसका शर्ट खींच के वो पूछता है कि क्या आप एक ब्लैक कलर के बलून को भी हवा में इस तरीके से छोड़ोगे तो वो ऊपर जाएगा, क्या वो भी ऊपर जाएगा. सो उसका आंसर बलून वाले ने ये दिया कि ऑफ कोर्स कलर से फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक कलर का बलून है या ग्रीन कलर का बलून है या रेड कलर का बलून है, डिपेंड करता है इस बलून के अंदर जो मैटर है वो क्या है. अगर उसके अंदर हीलियम है तो ऑफ कोर्स कोई भी कलर हो वो जरूर ऊपर जाएगा एंड अगर उसके अंदर हम नॉर्मल एयर फिल करेंगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा. सो इस स्टोरी से आपको ये समझना है कि अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं या फिर आप अपने गोल के लिए फोकस्ड हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है आप उसमें बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं. फिर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती कि आपका सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, आपका सब्जेक्ट वर्दी है या नहीं है, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. इट्स इनसाइड यू, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत कर सकते हैं, तो नो वन कैन स्टॉप यू. सो बिफोर पेंडेमिक 64 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं अदर साइंसेस से, 64 लाख, राइट. एंड इसके अलावा जो 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड के हैं. इसके अलावा 5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल फील्ड के हैं. सो मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ मैं अंडर ग्रेजुएट की बात कर रही हूँ. इतने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हर साल पास आउट होते हैं एवरी ईयर. बिफोर पेंडेमिक डाटा क्या था, 64 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल. इसके अलावा 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं हर साल. इसके अलावा जो 5 लाख स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल फील्ड से आते हैं. मैं सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की बात कर रही हूँ यहाँ पे. पोस्ट ग्रेजुएशन में वी हैव 15 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर. सो मास्टर्स कर लेते हैं 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल. ऐसे ही 10 लाख स्टूडेंट्स मास्टर्स कंप्लीट करते हैं इंजीनियरिंग से एंड 4 लाख स्टूडेंट्स मास्टर्स कंप्लीट करते हैं मेडिकल साइंसेज से. अब आफ्टर पेंडेमिक ऑफ कोर्स ये डाटा इंक्रीज हुआ है ना, हर साल ये डाटा इंक्रीज होता जाएगा. सो आफ्टर पेंडेमिक
ये डाटा इंक्रीज हुआ है अबाउट 10%। ओके, अब मैं एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं, मैं फोरेंसिक साइंस को सेपरेट नहीं किया है, वो इंक्लूडेड है वही 64 लाख स्टूडेंट्स में जो साइंस बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं हर साल। अब जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, मैं ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात करूं, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है 22% था। जितना भी हमने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल 64 लाख स्टूडेंट्स के सिर्फ और सिर्फ 22% स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल रही है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी, मेडिकल के फील्ड में भी एंड साइंस के फील्ड में भी। सो बिफोर पेंडेमिक 22% स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही थी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज, एंड आफ्टर पेंडेमिक इट इज 26%। सो ऑफकोर्स ये इंक्रीज हुआ है, पर जब हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिन्होंने अपने मास्टर्स कंप्लीट करी है, एंड हम एम्प्लॉयमेंट रेट जब देखते हैं, सो हमें बहुत ही ज्यादा गैप नजर आता है। तो ये प्रॉब्लम हर एक फील्ड का बच्चा फेस कर रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो मास्टर्स कर रहा है, जिसने इंजीनियरिंग करी है, जिसने एमटेक करी है, सारे के सारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स फेस कर रहे हैं खुद की फील्ड में। तो ये कोई फील्ड स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आपने फोरेंसिक साइंस कर ली तो आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, या आपने फोरेंसिक साइंस कर ली तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। हर एक बच्चा फेस कर रहा है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जॉब का स्ट्रगल, हर एक बच्चे को फेस करना पढ़ ही रहा है, एंड सिर्फ और सिर्फ 26% स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है। और सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आपने फोरेंसिक साइंस से ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर ली तो आपका करियर खराब हो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको मेहनत करनी है, खुद को उस 26% ऑफ स्टूडेंट की कैटेगरी में आपको लेके आना है, सो दैट आपको जॉब मिल सके। एंड आपका सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, प्लीज मेक दैट थिंग क्लियर। सो टॉकिंग अबाउट फोरेंसिक साइंस में आई थिंक 30,000 स्टूडेंट्स होंगे जो हर साल अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कंप्लीट करते हैं। हो सकता है इससे कम ही स्टूडेंट्स हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 80-85 ऐसी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो ये सब्जेक्ट्स ऑफर करती हैं। बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं, बहुत ही कम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जो फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट ऑफर करती हैं। सो वी हैव लाइक 80-85 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑल टुगेदर। फोरेंसिक साइंस से ग्रेजुएट होते अप्रॉक्स 30,000 स्टूडेंट्स इन आवर इंडिया। 20,000 स्टूडेंट्स, 15,000-20,000 स्टूडेंट्स मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं फोरेंसिक साइंस से। ओके, 2021 का डाटा है दैट वी हैव 29 फिंगरप्रिंट ब्यूरोज, 37 स्टेट फोरेंसिक लैब्स, 7 सेंट्रल फोरेंसिक लैब्स, मल्टीपल मोबाइल फोरेंसिक लैब्स एंड रीजनल फोरेंसिक लैब्स, एंड इन सारी की सारी लैब्स में मिला के वी हैव 4,500 पीपल जो कि एम्प्लॉयड हैं फोरेंसिक साइंस के फील्ड में। ये तो सिर्फ मैंने बात करी फिंगरप्रिंट ब्यूरो की, मैंने बात करी स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरीज की, मैंने बात करी सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरीज की, रीजनल लेबोरेटरीज, मोबाइल फोरेंसिक लेबोरेटरीज। सो ये लेबोरेटरीज की मैंने बात करी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स हैं, वी हैव मल्टीपल प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करती है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स काम करते हैं एंड काम कर रहे हैं। बहुत सारे फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहे हैं, एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम कर रहे हैं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फोरेंसिक साइंस अगर आप करते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि व्हाट सब्जेक्ट यू वांट टू चूज, आप कौन से सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, आप खुद को किस प्लेस पे देखना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें क्लियर है, सो यू विल एंड अप हैविंग जॉब एंड हैविंग अ गुड लाइफ। सो टॉकिंग अबाउट स्कोप, जो फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन वर्क विद पुलिस टीम, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की टीम का पार्ट हो सकते हैं, ये लेबोरेटरीज में काम कर सकते हैं, विच इज रियली वेरी कॉमन। सबको पता होता है कि अगर आप फोरेंसिक साइंस कर रहे हैं तो यू कैन हैव चांस टू वर्क इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज। इसके अलावा आप प्राइवेट कंपनीज में काम कर सकते हैं, पब्लिक कंपनीज में काम कर सकते हैं, आप रिसर्च अकेडमिक्स में जा सकते हैं, एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम कर सकते हैं, आप एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर सकते हैं, आप एज अ डॉक्यूमेंट एग्जामिनर, डॉक्यूमेंट वेरीफायर काम कर सकते हैं, आप एज अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। सो वी हैव एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू हैव मल्टीपल एरियाज वेयर यू कैन वर्क। सो ये सारी चीजें मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी, अभी मैंने आप सभी को ब्रीफली बता दिया है। कंक्लूजन ये है कि अगर आप फोरेंसिक साइंस में इंटरेस्टेड है एंड फोरेंसिक साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप फोरेंसिक साइंस चूज कर सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इस सब्जेक्ट के बाद आपको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपका फ्यूचर खराब कर देगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इस फील्ड में आए हुए बच्चों को जॉब नहीं मिलती। इट्स जस्ट अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट टू डू, वेयर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ।
So I hope this video is helpful to you. Share it with your friends and have a great day ahead. Thank you so much for watching this video. If you're preparing for NET and any other forensic entrance examination, you can download our app. App ke link aapko description mein mil jayegi. You can join our classes. Thank you so much everyone. Have a great day ahead. Till then, take care. Bye.